खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। इस वक्त 2 जून 2023 को मैं प्रोफेसर अमरजीत हेयर, जो इंग्लिश के प्रोफेसर यहां पढ़ाते रहे हैं, उनके घर हूं, उनका मेहमान हूं। कल मैं यहां पे आया था, वहां पे पंजाबी के एक बहुत बड़े राइटर जो हैं गुरप्रीत तूर साहब भी मुझे मिले। वो यहाँ पे DIG पुलिस रिटायर हुए, बट अ ग्रेट मैन ऑफ लेटर्स। इन दोस्तों ने मेरे लिए जो इंतज़ाम किया, एक तो घर में मैं रह रहा था, साथ ही प्रोफेसर साहब आप ज़रा बताएं कि जिस जगह हम जाके, तो मैंने वहाँ पे जहाँ तकरीर की है उसका नाम, उसकी हिस्ट्री ज़रा, और फिर लुधियाना और अपनी ज़िंदगी के मुतालिक प्लीज़ बताएँ। अज का जोड़ा सा फंक्शन से जो गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज लुधियाना च होया सी जी। ये कॉलेज पहला गुजरांवाले से, फिर पार्टीशन तो बाद इत्थे आया जी। तो जिस बिल्डिंग चो कॉलेज है ना, ये यूनाइटेड जब पंजाब सीगा उस अब्दुल हई एजुकेशन मिनिस्टर से, तो उदों इत्थे लुधियाने विच मुंडिया का कॉलेज तो हुंदा सी जिथे को एजुकेशन सी, हिंदू सिख कुड़ियां जांदियां सी, पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं सी जिथे मुसलमान कुड़ियां पढ़ सकन। फिर मुसलमानों ने कहा यार तू एजुकेशन मिनिस्टर है, अपनी कुड़ियां कित्थे पढ़न। उन्हें आपकी कोठी विच कॉलेज खोलता 1943 च। मियां अब्दुल हई दी गल हो रही है। मियां अब्दुल हई दी, मियां अब्दुल हई ने आपकी कोठी च कॉलेज खोलिया, तो दूसरी कोठी च कुड़ियां दा होस्टल बनाता। वाह जी वाह। उत्थे 1950 तक ये कॉलेज रहा, पार्टीशन हो गई पर कॉलेज चलता रहा। फिर जिहड़ा हैगा ये कॉलेज दी नवीं बिल्डिंग बन गई रखबाग च, ठीक है, सरकारी कॉलेज दी, ठीक है। तो इहदा नाम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से उन्होंने बदल के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स करता हूँ। अच्छा। ऐसे जो मैरिड वीमेन कहना तो होते हैं, बड़ा हसूरिया लगता। तो ये जिहड़ा इन्हों देता जिहड़ा हैगा गुजरांवाला कॉलेज वाले ने, जिस बिल्डिंग से असीं अज गए। सर जरा तुसीं अपनी जिंदगी का आगाज कित्थे होया? मेरा जन्म है जी 15 अगस्त 1934 का। अटे सटे नाल ठीक ही है, कागज रिकॉर्ड चाहे जिहड़ा मास्टर ने लिखता करदिआं नूं, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, पर मैं आपकी मेरी बेबे कहिंदी सी वी तेरा जन्म उदों कदा ही है चेत दा, उहनूं महीना याद सी, सो ठीक चेत महीने दा, चेत याद सी उहनूं, उन्हों आप दा भी याद सी, साड़ी बेबे ने भी मेरा जन्म काटे दा, वो 1904 बनता है, उन्हों पता सी गा। ते साड़े पिंड कोई स्कूल नहीं, मेरा पिंड सी पटियाला रियासत दा, उत्थे कोई नेड़े तेड़े स्कूल नहीं, 12 बरनाला साड़ा जिला तहसील सी, जिला भी सीगा, ते 12 कोई सतो जगराओं आ, सो कुते नेड़े तेड़े स्कूल नहीं सी। साडे पिंड विच एक जात दा तेली सी, किते वजों तेली सी, मुसलमान सी, मौलवी अब्दुल्ला, वह तो वह भरा इस्माइल दोनों ही 4 जमात पढ़े हुए सी, बाकी पिंड गुरमुखी जानते सी, उर्दू कोई नहीं सी पढ़िया। साड़िया पुरानिया बहियां तो उन्होंने ही लिखे हुआ, जो किसी ने सीरी रखना कोई ब्याह होया मामला और मेरे को बहियां पईयां कर दियां उन्होंने नाम दर्जा। सो साढ़े जोड़े है मेरा ताया को घराट है साढ़े पिंड नहरते बठिंडा ब्रांच से सरहद करौली, उहदे कोल ठेका सी, तो उन्हें कहा भी मुंडे माड़ा मोटा हिसाब लिख लैण, तो वह मौलवी ने कहा कि यार तू इन्हों पढ़ा दिया कर। सो असी साढ़े घर के 5 बच्चे उन्होंने कोल पढ़न लग गए, तो वह कुछ देर तक साढ़े जोड़ा बार सेगा बेड़ा सेगा खुला सेगा डंगला घर उत्थे पढ़ाते रहे, तो असी साढ़े सिरी ने उन्होंने मझ न जोड़े है तो जोड़ा बल्द रखे हुआ सी कूड़ी चला उधर पट्ठे सीटे उन्हें एक एक रुपया से उन्होंने देंदे से 5 रुपये 5 मुंडे देंदे। फिर उन्हें कहा यार मेरा तो कम जोड़ा है सफ़र करता, क्योंकि जिन्हें ने अपना जोड़ा है ऑयल वगैरह तेल वगैरह बढ़ा हुआ से उत्थे आते सानू उत्थे ले गया आपके घर। वो घर मैं थोन दसा भी जी जी खड़ की जी होंगी स्मैल, वो अज तक मेरिया नासा च बड़ी हुई है, मक्खियां ही मक्खियां उत्थे, मैं मक्खी मारनी बोरी थले सिट देनी। तो वो सारा खैर उन्हें इन्ना 4 साल सानू चौथी तक का ऐसा उर्दू ऐसा हिसाब पढ़ाया, उदो सेंटर के इम्तिहान होंगे से जाके चौथी के, तो उत्थे साडा इम्तिहान दवाते, मैं फस्ट होया उस सेंटर दे चो, वो जिहड़ा ADI इम्तिहान लैण आउंदा सी वह कहिंदा भी इहदा वजीफा, कहिंदा जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यह मुंडा पटियाला रहा था, इहदा वजीफा लग नहीं सकता, पर कहिंदा यार लायक बड़ा चाहे किवें भी है। चलो उत्थों फिर साडे तां कोई स्कूल नहीं, मैं रिश्तेदारियों च पढ़िया, उत्थों बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल बल्ले से उत्थे पढ़िया,
ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਾਹੇ ਕੋਲ ਜਸ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਸਪਾਲੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ 1922 ਦਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲੋਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ 1947 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਊ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਇਟਸ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਚੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ CO ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨੁਕਰੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੁਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਮਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲੈਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਜਮਾਟ, ਅੱਗਾਂ ਉੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਲਮ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਨੇਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਠੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੱਦੋ ਵਾਲ ਗਰੀਬ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਾਰ ਤਾੜ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਉਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਜੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਪਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਖੀ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਮੱਲੇ ਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਛੋਟੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੈਣ ਲਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਰੋਸਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਵਿਆਹੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸੀਗੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੀਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਅਠੂਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਝਟਕਾ ਲਿਆ ਮੀਟ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਮੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਕ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੀਟ ਧਰ ਗਏ ਰਿਜਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾਈ ਇਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਤਲ ਫੜ ਲਏ ਗਏ।
मैं उन्होंने अम्मा नूं दस्या वो बेचारी दे जिहड़ी सीगी गत्र पाया हुआ सी सिख घर वाला भी जथेदार सी। मैं क्या अम्मा तेनों मैं गल दसा, वो कहिंदी कि मैं क्या ये मुसलमान औरत है लिया, कहिंदी कित्थे आ, उन्हें मुसलमान औरत ने जब सुने उन्होंने लिया ही फड़के कहिंदी इधर आ जाइए। वो जद बंदे आए ना मैं तुम सवा छे छे फुट दे होर वो हजे दरवाजे के बिच ही खड़े अंदर आने लगे, उन्हें कृपान नूं लाया हाथ अम्मा ने कहनी मैं थोड़ा कीमा बना दूँ तुम इस मुसलमान कुड़ी नूं ब्याही बरी नूं कितों ले आए, दफे हो जाओ इतों, देखो जो कख नहीं बोल सके उतों पिछे चले गए। टू हर गुड लक, तीन चार दिन बाद उ पाकिस्तान की आर्मी आ गई जी विमन रिकवर करती सी। वो अम्मा ने जाके औरत नूं सारिया के सामने दसिया जी ये सीता सुमित्री वांगू पवित्र है, मैं अमृतधारी सिख है, मैं कहनी है यदि इज्जत नूं कुछ नहीं है, ये किसी फौजी की किसी की औरत आ, इनू तुसी जाके उहदे हवाले कर दो। वो कैप्टन भी मैनू याद है सारिया के सामने लोगों के पैरी हाथ लाए मान दे, पिंड वाले भी आशिश कर रखे भी अम्मा ने जिहड़ा है बचा लिया, चाहते जान दी बेचारी बाइज्जत पाकिस्तान चली गई। ये मेरा उस वेले का चश्मदीद जिहड़ा प्रोफेसर साहब इन्ने हुण 75 साल 76 साल चल रहा है, तो मेरा इत्थे आना कि असी सारे पंजाब विच मिल के खास तौर पर कोशिश करिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जड़ा वंड हो गई, दो मुल्क बन गए ने, दोनों नूं मुबारक होन अपने मुल्क, लेकिन असी भरावां वाकरा जे रहना सीख लीए तो उहदे नाल यह मेरा पैगाम मैनूं अज भी लग्या लोगों के बहुत मकबूल सी, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तुहाडे ख्याल नाल जनरल फीलिंग इधर भी की है, मैनूं पता है पाकिस्तान विच भी लोग चाहते ने कि असी दोवें अमन प्यार नाल रहीए। देखो जी मैं 1908 च पाकिस्तान करी गया, मेरा अरमान से बाबा बुले शाह के मजार से जाना, उफो मेरी पूरी हो गई, बाबा बुले शाह ने अनायत की, उत्थे पहुँच गए कसूर लाहौर तो 3 दिन के रहे, उत्थे भी मेरा एक्सपीरियंस यही सी, सारे जिहड़े जद भी मिलते करते सी, अफजल तसीफ उत्थों की सी राइटर, इत्थे लुधियाने भी आई सी, मैं उहदे घर जाना सी, मैं राह च जिहड़ी हैगी मैं कहा लै चलिए बर्फी लई, तो वह मैं तो पैसे ना लवे, दुकानदार से भी सरदार जी तो कि पैसे लेने तुम मेहमान हो, मैं यार ये मैं पैसे जरूर देने हैं क्योंकि मैं तो यह बीबी तसीफ में जाके जोड़ा है ये भेटा करनी है, ये मैं मुफ्त भी नहीं जाने, मलो मल्ली मैं उन्होंने पैसे दिते मैंने याद, उस करके मैं उतो मिलया। होर भी जिन्हें मैं उतों के एक्सपीरियंस है टकरे ना जो सारे जेडे होटल असी रहे वो कश्मीर होटल से, उसका मियाँ मेरे ख्याल इफ्तिखारुद्दीन से जोड़ा मैनेजर से, वो मैनू कहना भी कितों आए सरदार जी, मैं लुधियाने, कहना साहर के शहर चो, उन्होंने मैं परछाई सारी सुनाती, साहर की पोएम उन्होंने परछाई सारी जात, फिर उन्हें मैं गायत्री मंत्र सुनाता, मैं मियाँ थोनू कहना मैं तो जी उत्थे डीएवी स्कूल सियालकोट पढ़ता रहा, गायत्री मंत्र तो अभी रोज़ गाँवते, फिर मैं सोचा भी दसो यार कि चीज़ा बढ़िया जा सकदियाँ कि चीज़ इन्हें चोप नहीं, सो मेरा वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा सी, बहुत अच्छा। इधर भी हुण सारे लोग जिहड़े चाहुंदे आ ना उधर भी ये रौला हकूमतां दा जी जी, उत्थे मैं तुहानू इक इंसीडेंट दसदा, मैं एक दुकानदार नाल ही गल की माड़ी जी कश्मीर, वह कहिंदा जी कश्मीर तो असीं की धारा लैणी है, आ राह खुले खाइए पीए, कहिंदा कश्मीर तो असीं बर्फ मंगाउणी है, एवें रौला पाए, वह बंदे दा एक ऑर्डिनरी मुसलमान दा बयान, बिल्कुल इस तरह ही सोच है। मैं जिथे भी जा रहा कह रहा कि कश्मीर का जोड़ा मसला है उन्हों हल करन दा एको तरीका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड जी ओपन कर दो, और 65 एंड अबव जोड़े लोग ने उन्होंने वीज़ा ईजी कर दौ कि वह आन जान इंडिया और पाकिस्तान लोगों को मिलन, और यह जरा टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशनस जे साढ़े वाले पासे ने या इधर भी कोई इंटरफेरेंस पाकिस्तान आती है दोनों पास्यों वो खत्म होनी चाहिए। जो यह होएगा तो तद ही असी समझने कि अमन और प्यार और मुहब्बत की बुनियाद पर असी फिर एक नया हिंदुस्तान पाकिस्तान देखांगे बनने। बिल्कुल दुरुस्त है जी, लोग चाहते हैं मिलना जुलना प्यार मुहब्बत दी गल्लां हुकूमत, मैं दोनों पास्यां नूं जिहड़ा इहनू ब्लेम करूँगा, उधर भी इधर भी, पहला तो उधर ही नफरत ज्यादा फैलाई हूँ इधर ज्यादा लगती है, ये बंद होनी चाहिए नफरत की। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा प्रोफेसर साहब, अपना अज तुहाडी जिंदगी का सफ़र भी तो असी सुन लिया, लुधियाने दे भी एक खबर सानू मिल गई,
और तुहाडा पैगाम जिहड़ा है असीं सारे शेयर करने आ। थैंक यू सर फॉर बीइंग सच ए ग्रेट होस्ट। मैं तुहाडे कोल रहा इंज लगा जिस तरह मैं अपने घर ही आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।